हे ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, साथ में उतना ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को लेकर मेरे मायके जा रही हूँ। तो हर लड़की के लिए उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है मायके जाने से लेकर। तो थोड़ा सा इसलिए बिजी हूँ क्योंकि मुझे लंच की तैयारी करनी थी, साथ में रोटियाँ भी बनानी थी। ये मना कर रहे थे कि परेशान मत हो, मैं कहीं से भी मैनेज कर लूँगा। मैं बोली नहीं, जा रही हूँ तो लास्ट टाइम तो खिला कर जाऊँ, तो इसलिए हम लोग भी खा कर जाएंगे। तो ये सोचकर थोड़ा सा जो सब्जी बचा था कुछ का बनाई, और जो मेरे हाउस हेल्पर आती हैं सब बाकी उनको दे दी कि आप लेकर जाइए, क्योंकि यहाँ पर सड़ाना कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। तो इसलिए बंद गोभी सब्जी बनाई, फिर एक भुजिया मिलाकर बनाई, केला फ्राई की, दाल और चावल, और साथ में बैंगन भी जलाई थी। पर क्या हुआ कि समय नहीं मिला, हड़बड़ी के साथ खा रही थी ना, तो उस बीच इनका फोन आ गया कि ट्रेन बहुत ज्यादा लेट है तो आराम से खाओ। तो मैंने बैंगन का भरता नहीं बनाया था, उसको भरता बना लिया और आके डाइनिंग में अच्छे से बैठ खा लिया रिलैक्स होकर। तो गैस उसका पोछा भी लगा लिया और इनको बोली कि आप जब खाओगे खाना तो गर्म कर लेना। तो मैं सब कुछ सामने ही रख दी, बिस्किट का, मिक्सचर का, साथ में सत्तू का, सब कुछ का डब्बा सामने ही रख दी। एक दो दिन के बाद वो घर ही निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। फिर भी मन नहीं भरता है कि एक दो दिन में वो परेशान ना हो जाए। तो देखिए मेरे बच्चों के साथ मैं भी जाके ऑटो में बैठ जाऊंगी, फिर मेरा सामान भी आ चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आद्या थोड़ी बड़ी हो गई है ना, तो उसको लेके जाना अकेले थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा था कि कहीं वो बदमाशी ना करे। गुड तो हम लोग बाय। का जाने का प्रोग्राम अचानक से बन गया। तो बताऊंगी आप लोग को कि कहाँ जाऊंगी। अभी टाइम हो रहा है 2:03, तीन दो नहीं 2:03, 14:03 हुआ है। हम लोग का ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है। हम लोग के यहाँ 11:40, यहाँ का राइट टाइम क्या था? 11:40 ना आ रही है, 2:05-10 मिनट में और आएगी। 11:35 मैं सोच रही थी कि लेट हो जाए, पर इतना भी लेट हो गया कि मैं ही बोर हो गई। आज ना एक्चुअली स्ट्राइक था, इसलिए मन में डर था कि ट्रेन कहीं कैंसिल ना हो जाए। तो अब फाइनली आ गई है और हम लोग बैठ चुके हैं, थोड़ा सा मन में रिलैक्स हुए। और हम लोग को भोर भोर खबर मिला था कि यहाँ पर ट्रेन का पटरी जो है उड़ा दिए हैं। तो अब हम लोग बैठने के बाद मेरी बेटी अपना ले ली खाने का, ये है अंडा का चॉप और साथ में पनीर का पकौड़ा। तो हम लोग माँ बेटी दोनों खा लिए। उस बीच मैंने ले लिया कॉफ़ी, जो कि खाने में इतना ज़्यादा खराब लग रहा था ना, मुझे उल्टी लग रहा था, फिर भी थोड़ा सा मीठा मीठा लग रहा था, इसलिए मैंने 2-4 चुम्मच लिया, उसके बाद छोड़ दिया। बेटी को बोल ली कि फेंक दो इसको, नहीं खाना है। और देखिए यहाँ पर इस बार ना पूरा खाली है, क्योंकि हम लोग जैसे आते थे ना हर बार वैसे ही टिकट लिए हैं। और मेरी छोटी बेटी जो है उठने के बाद यहाँ पर आराम से चलने फिरने सकती है, कि वो सो रही थी ना इस वक्त, तो इसलिए हम लोग 1 घंटा पूरा रिलैक्स होकर बैठे और बोरिंग भी लग रहा था, सो गई थी। तो अब देखिए उठ गई तो अपना तांडव शुरू कर दिए। तो इधर उधर जाना आना कहीं कहीं कुछ डर नहीं और ना ही उसे कुछ लग रहा था। और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर उसको गोदी लेकर खेल रही थी उसके साथ। तो बोर भी लग रहा था कि कब पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अभी अंधेरा तो पूरी तरह से हो चुका है। फाइनली इतना रात को जाकर पहुँच रहे हैं, अभी घर तो नहीं पहुँचे हैं, अभी ट्रेन से उतरेंगे, फिर कौन आए हैं लेने के लिए ये भी नहीं मालूम। अंधेरा पूरी तरह से हो चुका है और देखते हैं, भाई तो आया होगा साथ में, पता नहीं माँ भी आई होगी क्या। कल सूरज पूरा डल हो चुका है, पूरा दिन का जर्नी के बाद जितना चला है प्रेस के लिए इतना पता नहीं चला, क्योंकि ये पूरा एंटरटेन करके रखी है। तो चलिए उतर चल जाते हैं, फिर मिलते हैं। कौन आए हैं लेने? मामू भूतिया रास्ता में ले आया है भाई। आज अच्छा हुआ भूत देखने का मौका मिला। चलो चलो ब्लैंकेट घुड़बो नहीं कही तार आई को फोन ने कही बस एडी बस नंदिनी कंदी के लुची देखो जा आय 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 से इठे पड़ो छी गोदी टे जा बोल ताको मां। यहां पर देखिए, यहां पर सूप बना कर रखी है। बुढ़िया जी चल मार दा, चल चल जी बटन को। मेरा भाई यहाँ पर लग गया है चिकन बनाने में, वो यहाँ पर गैस लगा कर चिकन बना रहा है। और माँ यहाँ पर रोटी बनाई, फिर हम लोग के लिए चावल चढ़ाई है। हम लोग डिमांड किए कि नहीं आज चिकन के साथ चावल खाएंगे। और मैं यहाँ के सोच रही थी कि माँ को थोड़ा सा हेल्प करूँ आटा उटा गूंथने में, साथ में
पर आदि ना पूरा घर में घूम घूम गए, पूरा ये देखिए आटा गिराई है यहाँ पर। एकदम से मुझे कुछ करने नहीं दी तो मुझे मजबूरी में उठ के यहाँ से निकल जाना पड़ा। तो उसको लेके मैं वहाँ पापा के पास थी और माँ यहाँ पर ये सब कर रही है और मेरा भाई भी लग गया है साथ साथ में कि दीदी को मैं चिकन खिलाऊंगा आज। माँ भी हम लोग के लिए टमाटर जलाएगी और बॉडी भी पूड़ी की दबा ला। हाँ नंदिनी भी तो उठो देखी कि खाते कुछ। अभी मैं इस जगह में पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे खाना बनाने का ना टेंशन है ना बच्चा संभालने का टेंशन है, बस खाऊंगी और आराम करूंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।